ओम श्री साईनाथाय नमः। कहते हैं प्रार्थना ऐसे करनी चाहिए कि जैसे सब कुछ बाबा कर रहे हैं, सब कुछ साईं के भरोसे है। लेकिन प्रयास ऐसे करो कि सब कुछ आप पर निर्भर करता है, क्योंकि बिना प्रयास के कुछ नहीं होगा। जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो वो मालिक हमारी सहायता कैसे करेगा? वो तो कहता है कि उठ तू चल, मैं हूँ ना तेरे साथ। स्कूल हम जाते हैं, पीछे माता पिता का सपोर्ट होता है, लेकिन स्कूल तो हमें जाना पड़ता है ना, पढ़ाई तो हमें करनी पड़ती है ना। तो उससे फ़ायदा किसका होता है? हमारा ही होता है। कल को फ्यूचर किसका अच्छा होता है? हमारा होता है। और ये सब करते हैं, सबके माता पिता अपने बच्चों के लिए उतनी ही फिक्र रखते हैं। चाहे बच्चे भले माता पिता की फिक्र ना रखें, माता पिता कभी अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करते। इसी तरह वो मालिक है, वो मालिक हम सबके बारे में सोचता है। हम कभी कभी उन पर दोष लगा देते कि बाबा तुमने तो ऐसा अच्छा नहीं किया, तुमने गलत कर दिया, लेकिन होता वो हमारे भले के लिए ही है ना। और मैं आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया करना चाहूँगी। आप लोग इतना सपोर्ट करते हो मेरे को, इतनी सहायता करते हो मेरी, इतना प्यार देते हो मेरे को। थैंक यू सो मच एवरीवन। हम एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन प्रार्थना सबके लिए करते हैं। जितने नाम हमारे पास आते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सब हमारे फैमिली मेम्बर हैं। हम सब एक एक धागे से पिरो कर रखे हैं बाबा ने, है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कमेंट्स जब पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बहुत कई बार मैं इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि यार बाबा आपने कितना अच्छा परिवार दिया है मुझे, जो एक दूसरे के लिए इतना सोचता है, इतना ज़्यादा प्यार, सबके लिए प्रार्थना करते हैं हम। थैंक यू सो मच बाबा, एंड आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। मैं मेरे पास शब्द नहीं है, शायद मैं एक्सप्लेन कैसे करूं, लेकिन थैंक यू सो मच यार, इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। और मैं कोशिश करूंगी कि धीरे धीरे हम और आगे बढ़ें और अपने प्रयास जारी रखें अच्छे कामों की तरफ, ताकि हमसे कभी भूल कर भी कोई भूल ना हो, और अगर हो जाए तो देवा माफ़ कर देना। सब अच्छा हो, सबकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, और जिस तरह हम प्रार्थना करते हैं ये दिन ब दिन और बढ़े, और हर इंसान खुश रहे, स्वस्थ रहे, और दूसरों को भी खुशियाँ बांटे। तो इसी के साथ मिलते हैं अभी कल, आज के लिए इतना ही। ओम साईराम, जय साईराम। बाबा को याद करके सो जाइए, सब अच्छा होगा। ओम श्री साईनाथाय नमः। साईं शुभ रात्रि।